अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां कमलनाथ ने अखिलेश अखिलेश बयान देकर सियासत गर्मा दी है, तो वहीं अखिलेश ने भी राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दो दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की तलखी थमने का नाम नहीं ले रही। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनकी तलखी भी खुलकर देखने को मिल रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमें पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं होना है तो उस पर विचार करता। इतना ही नहीं, अखिलेश ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। ये बताता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक तो नहीं है। अखिलेश ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी, उसमें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई गई। रात 1 बजे तक सपा के नेताओं को उन्होंने जगाए रखा। इस दौरान आश्वासन दिया कि 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन बाद में जो हुआ वो ठीक नहीं था। कंफ्यूजन क्या रहा ये नहीं समझ पा रहा। अगर गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पर है तो ठीक है, जब दिल्ली की बात होगी तब ही जाएगी। प्रदेश स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो ये हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए अपनी पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। अखिलेश ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है। ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर? अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव की इस चेतावनी के बाद इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सभी विपक्षी पार्टियां अपना अपना रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। इन सबके बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल का नहीं। अगर आप सपा इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस राज्य की स्थिति कैसी है। अब दोनों तरफ से जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। अखिलेश अपनी मांग पर अड़े हैं तो कांग्रेस उन्हें किनारे कर रही है, जिससे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।